आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। एक्चुअली ये आर्ट वर्क मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। ये जब बना तो मुझे अच्छा लगा, बनने के बाद मैंने देखा कि यार ये अच्छा लग रहा है तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसे कुछ सीख सकें। ये जो इमेज मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने गूगल से डाउनलोड करी है, आई गेस ये किसी कॉन्सर्ट में परफॉर्मेंस की है। तो मुझे इमेज बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा इसका कुछ बनाना चाहिए, और हर बार की तरह मैंने बैकग्राउंड से सब्जेक्ट को रिमूव कर लिया है और मास्क क्रिएट किया है, और ये पैचेस बना रहा हूँ मैं ब्रश की हेल्प से। ये कुछ ऐसे पैचेस हैं जैसे स्किन फट जाती है ना, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाना था कि स्किन फटी हुई है और अंदर से रिब केज वगैरह दिख रहा है। बहुत तरह से स्टाइल किया जा सकता है इसे, जैसे मैंने यहाँ पे फटा हुआ दिखाया। आप चाहे तो डायरेक्ट पेन टूल की हेल्प से कोई पर्टिकुलर शेप बना सकते हैं, तो इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली अप टू यू, आप कैसा बनाना चाहते हैं। जो आप इफेक्ट देख रहे हैं मैं उससे काफ़ी सेटिस्फाइड था, वो फटा फटा जो इफेक्ट है। उसके बाद मैंने रिपकेज का इमेज डाउनलोड किया है और उसको यूज़ किया है यहाँ पे। आप चाहे तो स्केलेटन यूज़ कर सकते हैं, पूरी बॉडी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ स्कल में यूज़, जहाँ आपको यूज़ करना है आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस केस में मैं अंदर से रिपकेज दिखाने मांग रहा था तो मैंने सिर्फ उतना ही पार्ट यूज़ किया क्योंकि हमारी फ़ोटो ही टॉर्सो तक है। उसके बाद जो मैंने इफेक्ट दिया है नीचे उसको थोड़ा सा और एनहांस किया है पेन टूल की हेल्प से, ताकि थोड़ा सा और रिपकेज विजिबल हो जाए। उसके बाद मैंने एफएक्स पैनल में जाके कलर ओवरले की हेल्प से बॉडी का कलर चेंज किया है, जो कि थोड़ा सा सियान की तरफ है। मैं इसको थोड़ा घोस्टली इफेक्ट देना चाहता था और ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है, तो मैंने इस केस में वही कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। ये दो कलर जो है ब्लू और रेड, आपको याद होगा एक 3D ग्लासेस आते थे जिसमें एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लू होता था, जब उसे पहनते थे तो एक पर्टिकुलर एक इमेज होती थी जो 3D दिखती थी, जो रेड और ब्लू में बनी होती थी, सिर्फ वो ग्लासेस पहनने के बाद ढंग से दिखती थी। तो ये कुछ उसी से इंस्पायर्ड है, अगर आप वो ग्लासेस पहन के अभी इस इमेज को भी देखेंगे ना तो कुछ वैसा ही कुछ दिखेगा। बट मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ग्लासेस तो नहीं है हमारे पास, मैं इसमें करके ज़रूर दिखाऊंगा आपको। तो मैंने एक रिब केज को रेड कलर दिया है, जैसे मैंने बताया कि ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन रखने वाले हैं। उसके बाद मैंने रिब केज अलग से, जो हमारी जो मेन सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक और लेयर रखी है रिब केज की, और उसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके ऐसा दिखाया कि वो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है स्किन के अंदर से। उसके बाद मैंने इनर ग्लो, आउटर ग्लो, ये सारे इफेक्ट्स यूज़ करे हैं जो आपको बहुत ईजिली मिल जाते हैं। ये ट्यूटोरियल ही बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई भी कर सकता है। फिर मैंने लेफ्ट वाले हाथ में ही ऐसे एक स्केलेटन वाला हैंड लिया है, उसको यूज़ किया है वो वाले आर्म को, ताकि अंदर से भी बोन दिखे हाथ की भी। मैं दूसरे हाथ में भी करने मांग रहा था, मुझे लगा लेकिन ओवर हो जाएगा, तो हमने एक ही हाथ में दिखाया क्योंकि बाकी तो सब समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसी तरह से मैंने स्कल लिया है और वही सेम इफेक्ट डाल के इसको भी मैंने प्लेस कर दिया हेड पे, थोड़ा सा मैच किया है। मैच करने के लिए मैंने ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ किया है और इसका भी मैंने ब्लेंडिंग मोड चेंज कर दिया। अच्छा, ये जो इफेक्ट है ब्लेंडिंग मोड चेंज करने के बाद, इस पे जो एक अलग से इफेक्ट बन के आएगा ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। गाइज, अगर किसी के पास वो 3D ग्लासेस हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें एक तरफ ब्लू और एक तरफ रेड होता था, अगर आप उसको पहन के इस वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत ही अलग दिखने वाला, आपको बहुत ही अजीब चीज़ दिखेगी। उसके बाद मैंने बॉडी पे थोड़ा आउटर ग्लो डाला और हेयर पे मैंने स्मज टूल की हेल्प से थोड़ा सा घोस वाला इफेक्ट दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शार्प हो रहे थे हेयर, मैं चाहता नहीं था इतना शार्प दिखे। और फिर मैंने एक अलग से एक्सपोजर लेयर बना के उस पर ड्रॉ किया है, ताकि थोड़ी सी ग्लो आ जाए, उस पर भी बाल ऐसे लगने चाहिए कि ग्लो हो रहे हैं। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक और टेक्सचर यूज़ किया, ये थोड़ा सा ग्लो और एनहांस करने के लिए था। टेक्सचर के साथ आप जितना प्ले करेंगे उतना आपको ज़्यादा आइडिया मिलता रहेगा कि कैसा दिख सकता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के साथ। उसके बाद मैंने गैलेक्सी की इमेज ली है और उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके मैंने इसको बॉडी पे अप्लाई कर दिया, और वहाँ वहाँ मास्क की हेल्प से यूज़ किया है जहाँ जहाँ मुझे चाहिए था। तो ये थोड़ा बॉडी में एक शिमर आ गया, थोड़ा सा ग्लो आ गया, शाइन आ रही है, और ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया उसके बाद ना। और थोड़ा बॉडी का कलर थोड़ा चेंज हो रहा था तो उसको भी मैंने ह्यू की हेल्प से उसको वापस चेंज कर दिया है, और ये कलर थोड़ा सा डॉक्टर मैनहट्टन जैसा लग रहा है, तो मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैंने वही कलर रखा है इसमें भी। तो आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। तो ये इस कलर की मैंने क्लियर लिया और उसका ब्लेंडिंग मोड मैंने चेंज कर दिया है, तो अब देखिए ये पूरा बॉडी का स्केलेटन दिख रहा है अंदर जो है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो जहाँ जहाँ ये विजिबल है वहाँ वहाँ स्केलेटन दिख रहा है, वहाँ फेस नहीं दिख रहा, तो है ना ये बहुत कूल इफेक्ट। तो भाई मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये चीज़। तो
बाकी इस चीज़ को मैंने एनिमेट करा आफ्टर इफेक्ट में और उसको मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, तो आप जाके वो पोस्ट देख सकते हैं जिसको मैंने एनिमेट किया हुआ है। तो गाइस फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, तो कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।